गोंदिया फुलचूर सूफी रहमान शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स शरीफ संपन्न हुआ, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाबा के चाहने वाले सूफी शाह पधारे थे, जिसमें मौलाना सूफी जिया उर्फ लतीफ सूफी गुलाम यजदानी, सैयद मुदिक्कल हक रायपुर के गफ्फार बाबा, पुलिस अधीक्षक पिंगड़े, जिला परिषद सभापति संजय टेमरे, सभापति धनश्याम पांतावने, सरपंच उषा बावनकर, कमेटी उपाध्यक्ष अब्दुल कयूम, सचिव मोहम्मद फरहान गफूरी आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे। कमेटी का भव्य शाही संदल, रात्रि में शमा महफिल में सदु कव्वाल ने पेशी की, सुबह कुल शरीफ की रंग महफिल हुई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पुलिस अधीक्षक ने सर्टिफिकेट मोमेंटो प्रदान किए। इस आयोजन के सफलतात सरफराज अहमद जावेद कुरैशी, वकील जाजम सैयद आसिफ शेख, अजीज कुरैशी, ईशान से मोहसिन अहमद ने, शाहरुख पठान आदि ने अथक प्रयास किए। महफिल मिलाद से लेके पुल तक जितने भी प्रोग्राम हुए सब नहायत शानदार और नहायत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मखदूमीन और हमारे इस कमेटी के तमाम अराकीन की मोहब्बतों को कबूल फरमाए और उनको माला माल फरमाए और पूरे शहर में अमन और शांति अता फरमाए। सब लोगों ने लंगर खाया और खूब लंगर चला, लंगर आम था और कमेटी ने बहुत मेहनत की, हर तरह से सहूलत दी है, हर तरह से बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा उर्दू हुआ है और हमारे बाबू से बात कीजिए ये बताएंगे। इस साल भी बाबा का 36वां उर्स मुबारक मनाया गया, हजार लोगों की मौजूदगी में ये उर्स पार्क में पूरे हिंदुस्तान से संत लोग आते हैं, हमारे पीर मुर्शिद लोग भी आते हैं यहाँ पे। इस साल इस प्रोग्राम में 10वीं और 12वीं के 10th और 12th के जो बच्चे 75-80% था स्कोर उनको बुलाया गया और SP साहब के हाथ से बुला के उनका सत्कार किया गया और उनको मोमेंटो भी दिया गया और SP साहब ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिए हैं। SP साहब का मैसेज ये है कि भाई उन्होंने कहा कि 15 साल पहले मैं भी आपके सामने वाली चेयर में बैठता था, अब मैं मंच पे बैठा हूँ, आपको भी पढ़ाई करना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है, शिक्षा का महत्व उन्होंने समझाया है और भाईचारे और एकता का भी उन्होंने मैसेज दिया है और सोशल मीडिया के बारे में भी कहा है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, उस प्रोग्राम करे भी है हमने और सब उसका प्रोग्राम कम्प्लीट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है शाहरुख पठान, गोंदिया फुलचूर ITI में कुतुबे गोंदिया हजरत बाबा सूफी साहब हर साल की तरह इस साल भी उनका उर्स मनाया जा रहा है, बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत से प्रोग्राम रखे गए हैं, प्रोग्राम है, संदल है, खाने का है, लंगर शरीफ है, हर चीज़ है और जैसे बच्चे हैं 10वीं के 12वीं के उनके लिए प्रोग्राम रखे गए हैं, उनकी फैमिली को बुलाया गया है, अच्छे परसेंट से पास हुए जो बच्चे हैं उनको हमारे गोंदिया शहर के और गोंदिया ज़िले के SP साहब जो है उनको बुलाया गया है, उनके हाथ उनको उत्साह दे रहा जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है और पूरी फैमिली को बुला के बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो हजरत का जो उर्स मनाया जा रहा है यहाँ पर 3 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है, बहुत से प्रोग्राम रखे गए हैं और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर सहयोग किए हैं और आए हैं। हमारी कमेटी ने जितना भी काम किया है बहुत अच्छी तरह से किया है और हर साल ऐसे ही काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोंदिया शहर में हजरत सूफी साहब रहमान शाह बाबा का प्रोग्राम करेंगे और जितने भी लोग हैं सब धर्म के, अलग धर्म के, कुछ हमारा मजहब के हैं, सब मिलके बना रहे हैं, भाईचारे का प्रतीक है, एकता है, सब है। परचम कुशाई की गई, मिलाद किया गया, फूल की फातिहा दी गई और महफिल समा किया गया और जो लंगर करा गया उसमें बढ़ चढ़ के अदर समाजों के लोगों ने भी हिस्सा लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद कालते संदल निकाला गया रात को, बहुत से लोग आए थे, हर जाति हर धर्म के लोग बहुत हमको सपोर्ट किए और अच्छे से रहे सब। NBC न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।
हैं।